बच्चों के सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम करने को बोला गया है? तो गाड़ी कहीं भी लगाने बोले हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये रोड किनारे से गाड़ी लगाया मत किया करो। ऑटो चलाने के अपना आप सही रूप से चलाइए, दारू मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, वर्दी पहन के चलाओ बोले। जगदलपुर शहर के यातायात विभाग के द्वारा लगातार किसी न किसी प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति अभियान चलाया जाता रहा है और कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। इसी के तर्ज पे आज जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में सैकड़ों ऑटो चालकों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से और जगदलपुर के शहर से भी है, उन्हें बुलाया गया और उन्हें समझाइश दी गई है कि कागजात अपने सब सही रखिए ताकि आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई न हो। साथ ही साथ सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें बताया गया कि अगर बच्चों को आप स्कूल लाना ले जाना करते हैं तो किन सुरक्षा के इंतजाम आपको करने होंगे और साथ ही साथ ड्रेस पहनना तो अनिवार्य है। इसी प्रकार से कई और जानकारियां जो है यातायात विभाग के DSP और थाना प्रभारी के द्वारा पूरी टीम के साथ दिया गया। एक एक ऑटो चालक के वहां पर जो है दस्तावेज चेक किए गए, जल्द से जल्द दस्तावेज पूरी कर ले और साथ ही साथ सड़क में चलते वक्त अवेयरनेस दिखाएं, जागरूक रहें, अपनी और दूसरे की सुरक्षा करते हुए गाड़ी चलाएं, ओवरलोडिंग ना करें, जितनी सीटर गाड़ी है उतने ही लोगों को बिठाएं। हालांकि ये भी देखना है कि उन ऑटो चालकों के दिमाग में क्या कुछ बैठा है, वो क्या कुछ समझ पाए हैं, यह जानने के लिए हम चलेंगे ऑटो चालकों से, रेंडमली रोकेंगे गाड़ियां और पूछेंगे क्या कुछ जो है यातायात विभाग के द्वारा उन्हें बताया गया है और क्या कुछ उन्हें समझ में आ गया है और क्या वो नियमों का पालन करेंगे। जगदलपुर शहर के संजय मार्केट में सर पहुंच गए हैं। भैया, आज यातायात विभाग के द्वारा जो है जागरूकता के लिए लालबाग मैदान में बुलाया गया था, गाइडलाइन बताने के आप गए थे? जी जी जी। क्या बताए वो लोग? जी हाँ, वर्दी पहन के चलाओ बोले, कागजात पक्के करो बोले, और चार पांच सीट बिठाए, उससे ज्यादा ओवरलोड ना बिठाए बोले। और क्या बताया गया? और क्या, थोड़ा सा देख के चलाओ बोले, थोड़ा सा कहीं पर भी मत लगाओ, ऐसा टाइप है, चलाओ बोले। गाड़ियों की पार्किंग कहीं भी ना करने को कहा गया है ताकि यातायात बाधित ना हो, ऐसी है? जी जी जी। तो कैसे अच्छे से समझाए बताएं आप लोगों को, प्रॉपर सब तरीके से बताए सर? बढ़िया बताए, अच्छा लगा हो जैसा बताए लोग? जी 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 जी, इसका फॉलो करेंगे हम भी। आप यातायात विभाग का व्यवहार कैसे है? ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, आइए कुछ और ऑटो चालकों से बात करेंगे। भाई साहब हमारे हैं, भैया यातायात विभाग के द्वारा लालबाग मैदान में बुलाया गया था, आज गए थे? मैं हाँ गया था। क्या क्या बताया वहाँ पर? मैं बाद में पहुँचा भाई, बाद वो लेट हो गया था। मैं लेट पहुँचे, मतलब गाइडलाइन क्या क्या नहीं पता? हाँ नहीं, लेट हो गया मैं, गया था वो लेट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ऑटो चलाने के लिए किन किन सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना चाहिए? ऑटो चलाने के लिए अपना आप सही रूप से चलाइए, दारू मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, सीधा अपना चलो। कागजात क्या क्या रखना चाहिए? कागजात वो सही पूरा होना चाहिए भैया, पूरा होना चाहिए। कागजात पूरा होना चाहिए, नहीं बन पाया तो नहीं, वही मजदूरी नहीं बना तो कागजात पूरा रहेगा तभी ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, आइए कुछ और ऑटो चालकों से बात करेंगे। यहाँ पर आज लालबाग मैदान में ऑटो चालकों को बुलाया गया था, ट्रैफिक विभाग के द्वारा गए थे आप लोग? क्या क्या बताए विभाग वाले वहाँ? तो भैया बताया बोलने से गाड़ी का कागज उगज बना लो, लाइसेंस वाइसेंस बना लो, फिर गाड़ी कहीं सवारी वगैरह ज्यादा मत भरना, ऐसा ऐसा बोले हैं। और पार्किंग को लेकर के क्या बोले? पार्किंग का मतलब नगर निगम से बात करूंगा, पार्किंग का बातचीत चल रहा है बोले। तो गाड़ी कहीं भी लगाने बोले हैं कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये रोड किनारे से गाड़ी लगाया मत किया करो, जैसा कि गाड़ी अगर सवारी लाए हो तो वो जो सामने पेटी दुकान उधरी गाड़ी कहीं नहीं लगाओ। कागजात के बारे में क्या क्या बोले? कागजात नहीं है, जो गाड़ी का कागजात उगजात बना लो बोले। और ड्रेस कोड को लेकर के सब बोले है ना, बोले लाइसेंस नहीं है तो बना लो, वर्दी नहीं है तो पहन लो, बनाओ, खरीदो, जो भी हो वर्दी में नाम लिखना चाहिए। स्कूल बच्चों को बिठाने को लेकर के क्या बोले हैं कुछ गाइडलाइन? उतना मतलब वहाँ तक तो भैया मैं पहुँच नहीं पाया था। अच्छा, आप उससे पहले चले आए थे? मतलब नहीं, मतलब उसका लेट से गया था मैं। आप लेट से गए दादा, आज लालबाग मैदान में बुलाया गया था ऑटो चालकों को, आप गए थे? जी। वहाँ क्या क्या बताया गया है, क्या कुछ आपको नया जानने को मिला और उनका व्यवहार कैसा था समझाने का, या फिर क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोग को दिए गए ऑटो चलाने को लेकर के? बताने का व्यवहार तो अच्छा था सर, जैसे बताए हैं कि ओवरलोड में गाड़ी नहीं चलाना है, और हम लोग को पेपर बनाने के लिए, जैसे पेपर हम लोग का फेल है बहुत सारा, मेरा खुद का भी फेल है, मैं झूठ क्या बोलूं, वही पेपर बनाने के लिए बताए, और गाड़ी ओवरलोड में ना चलाएं, गाड़ी एक साइड से जैसे इसको बंद करवाना है और गाड़ी को
हम लोगों को जो है 6 सीट में चलाने के लिए बोले हैं। मतलब ओवरलोडिंग नहीं करना है। बच्चों के सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम करने को बोला गया है? जैसा दोनों साइड जो बच्चे के लिए गाड़ी चलाते हैं, स्कूल बच्चा के लिए, उसको दोनों साइड जाली लगाने के लिए बोले हैं। दोनों साइड जाली लगाना है, ओवरलोडिंग नहीं करना है। ड्रेस को लेकर के क्या बोले? ड्रेस भी बनाने के लिए हम लोग बोले हैं कि ड्रेस पहन के चलाया करो जी। मतलब आज आप लोग सुने हो, कुछ नया और इसमें सीखने को मिला है क्या? नया तो अभी तो जैसे लॉकडाउन के बाद से हम लोग सब मान लीजिए भैया की वर्दी वर्दी सब भूल ही गए हैं टाइप के। तो मतलब विभाग ने आपको याद दिला दिया है कि भैया वर्दी पहन के चलो वरना कट जाएगा चालान आपका। सही बात है जी, आप भी बोल रहे हो सही है। तो यहाँ वहाँ गाड़ी नहीं लगाओगे? जी नहीं, हम लोग का जैसे हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ा करते हैं, जैसे रोड में लगाने के लिए मना किया है कि रोड में मत लगाओ, एक्सीडेंट होता है कहीं। चलिए तो एक बार अपने तरफ से आप बता दो कि अगर रोड में गाड़ी खड़ा करेंगे तो क्या दिक्कत होता है लोगों को, है ना? दारू पी के चलाने से क्या दिक्कत होता है ये बता दो थोड़ा सा। दारू पी के चलाने से भैया अपना तो वही है, साथ में हम सवारी लेके चलते हैं, उसका भी दिक्कत जाता है। मान लीजिए कभी कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद हम होते हैं अगर दारू पी के चला रहे हैं तो। अच्छा, ये बोलते हैं कि यातायात वाले चालान काट देते हैं, हमारा 200 का 300 का चालान काट दिए, इस पर आप क्या बोलोगे कि डॉक्यूमेंट नहीं रहता है बोल के चालान काटते हैं कि ऐसे ही काट देते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं काटते हैं भैया, डॉक्यूमेंट नहीं रहने से ही चालान काटते हैं, ऐसी कोई नहीं काटता है चालान, गलती करने से ही चालान काटते हैं। मतलब आज जो समझाइश आप लोगों को दी गई या फिर जो बताया गया गाइडलाइन जो बताई गई आप लोगों को समझ में आया है विभाग के द्वारा? जी आज जो बताए हैं वो सही बताए हैं और हमारे लिए ही सही है। चलिए तो जैसा हम सोच रहे थे कि लोगों के समझ में आया नहीं आया है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ऑटो चालक, हमने कई ऑटो चालकों से बात की, उन्हें प्रॉपर जो है गाइडलाइन बताया गया है और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे कहा जा रहा है उनके द्वारा। तब तक नमस्कार, मैं हूँ दिलीप गुहा, आप देख रहे हैं पब्लिक।